गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू स्माइल्स एंड बर्ड्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ना मैं आपको एक नए बेबी केयर ब्रांड के बारे में बताने जा रही हूँ। इसे नया मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव यूज देयर प्रोडक्ट्स एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोना बी टेलिंग यू गाइज अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। लेकिन मार्केट में ये ब्रांड है ना पिछले 2 से 3 सालों से अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आज तक मैंने इनके प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करे। एनीवेज, लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम और मैं बात कर रही हूँ बेबी डव के बेबी केयर प्रोडक्ट्स की। एंड हाउ आई केम टू नो अबाउट द बेबी डव प्रोडक्ट्स ना, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड अ फ्यू मंथ्स बैक ना, वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी डिलीवर्ड अ बेबी और मुझे उसके बेबी के लिए कुछ गिफ्ट करना था। सो आई वेंट टू द अमेजोन वेबसाइट एंड वहाँ पे ना मुझे ये प्यारा सा क्यूट लिटिल हैम्पर ऑफ बेबी केयर प्रोडक्ट्स नजर आया। सो आई रियली लाइक देयर पैकेजिंग एंड जो वहाँ पे फीचर्स मेंशन थे ना अमेजोन की वेबसाइट पे, वो फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सो आई सेंड दिस हैम्पर टू माई फ्रेंड एंड कुछ दिन के बाद यू नो व्हाट हैपेंड, शी गेव मी अ कॉल एंड शी वाज फुल ऑफ प्रेजेस फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैड सेंड फॉर हर बेबी। गाइस, जब उसने इन प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा तारीफ करी ना, सो आई वाज रियली एक्साइटेड टू चेक देम आउट एंड आई ऑर्डर्ड दिस हैम्पर फॉर माय डॉटर एज वेल। अब इस हैम्पर में क्या क्या प्रोडक्ट्स आए और उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताने से पहले आई एम गोना रिक्वेस्ट यू, अगर चैनल पर पहली बार आई है तो प्लीज जो रेड बटन है उसे दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, सबसे पहले हमने ट्राई किया ये बेबी डव का बेबी लोशन। गाइस, ये जो बेबी डव का बेबी लोशन है ना, ये खास बना है न्यूबॉर्न बेबीज की डेलिकेट स्किन के लिए, क्योंकि ये जो बेबी लोशन है ना, ये सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज और नरिश नहीं करता, उसी के साथ साथ इट सूथ्स द बेबी स्किन राइट फ्रॉम द फर्स्ट यूज। और गाइस, उसी के साथ साथ ना ये बेबी की स्किन के प्रेशियस स्किन बैरियर को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। गाइस, अगर बेबी सेफ होने की बात करें तो बेबी डव का ये जो मॉइस्चर रिच बेबी लोशन है ना, इट इज पेडियाट्रिशियन टेस्टेड टू बी टोटली सेफ टू बी यूज ऑन द स्किन ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि ये न्यूबॉर्न की स्किन पर भी यूज करने के लिए टेस्ट किया गया है। उसी के साथ साथ ये जो बेबी लोशन है ना, ये हाइपो एलर्जेनिक है, इसका मतलब इसके इस्तेमाल से बेबी की स्किन पर कोई भी एलर्जीज नहीं होंगी। उसी के साथ साथ ये है पीएच न्यूट्रल। पीएच न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इट इज वेरी माइल्ड टू बी यूज ऑन अ बेबी स्किन और ये स्किन पर जरा सा भी हार्श नहीं रहेगा। गाइस, इसकी जो फ्रेग्रेंस भी है ना, वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड है एंड its fragrance is also safe for the babies. और उसी के साथ साथ ना कोई भी हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पैराबेंस, थैलेट, सल्फेट्स वगैरह इसमें नहीं है। इट इज टोटली सेफ फॉर योर बेबी स्किन। उसी के साथ साथ ना गाइस, इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा रीजनेबल है, क्योंकि इस 200 मिलीलीटर की बॉटल की कॉस्ट है सिर्फ ₹180, व्हिच इज प्रीटी रीजनेबल। उसी के साथ साथ ना मुझे इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये काम कैसे करता है। सो जनरली व्हाट हैपेंस, जब हम बच्चों को बाथ देते हैं ना, जब हम बच्चों को नहलाते हैं, तो नहलाने के बाद क्या होता है कि उनकी स्किन से मॉइस्चर लॉस हो जाता है। सो व्हेनेवर आई गिव अ बाथ टू समायरा, तो उसको आफ्टर द बाथ ना मैं इस बॉडी लोशन से उसकी पूरी की पूरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती हूँ। इसके इस्तेमाल के बाद ना उसकी स्किन अगले 24 घंटे तक भी मॉइस्चराइज लगती है, इवन इफ आई डोंट यूज एनी अदर मॉइस्चराइजर आफ्टर सम टाइम। इनफैक्ट गाइस, अगर बेबी की स्किन ड्राई एंड सेंसिटिव भी है ना, तो ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन वाले बेबीज के लिए भी ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से काम करता है। सो गाइस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे मैं दोबारा खरीदना चाहूंगी फॉर माय बेबी आफ्टर दिस बॉटल फिनिशेस। गाइस, अब चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई ट्राइड फॉर समायरा। सो अगला प्रोडक्ट जो हमने ट्राई किया वो है ये बेबी डव का मॉइस्चर रिच हेयर टू टो बेबी वॉश। और जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये जो प्रोडक्ट है यू कैन यूज इट टू वॉश बेबीज हेयर एज वेल एज बेबीज बॉडी, यानी कि इसी एक प्रोडक्ट को आप बॉडी वॉश और शैम्पू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, विच मेक्स इट वेरी ट्रेवल फ्रेंडली, क्योंकि अगर हमें कहीं बाहर जाना है, किसी रिलेटिव के घर जाना है और वी आर ट्रैवलिंग, तो उस टाइम पर अगर एक ही प्रोडक्ट शैम्पू और बॉडी वॉश का काम कर देता है, इट सेव्स अ लॉट ऑफ पैकेजिंग स्पेस फॉर यू। सो उस हिसाब से मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। उसी के साथ साथ ये जो हेयर टू टो वॉश है ना, ये बहुत ही ज्यादा जेंटल बेबी वॉश है। जेंटल होने के साथ साथ ये भी हाइपो एलर्जेनिक है, यानी कि इससे बेबी की स्किन पर कोई भी एलर्जीज नहीं होंगी। डज नॉट कंटेन एनी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स
कंटेंट्स लाइक पैराबेन सल्फेट्स एंड फैलेट्स, एंड उसी के साथ साथ ना इट इज ऑल्सो अ पीएच न्यूट्रल प्रोडक्ट। पीएच न्यूट्रल का मतलब ये है कि इट इज वेरी माइल्ड ऑन द बेबी स्किन, और इसके इस्तेमाल से बेबी की स्किन पर कोई भी हार्श रिएक्शन नहीं होंगे। इनफैक्ट इट इज एज माइल्ड एज वॉटर, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। एंड गाइस उसी के साथ साथ ना ये टीयर फ्री प्रोडक्ट है। जो टीयर फ्री होना है ना, ये बहुत ही बड़ा लाइफ सेवर है, क्योंकि जनरली जो बच्चे होते हैं ना वो नहाते टाइम तो फिर भी एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन हेयर वॉश से हमेशा हर बच्चा घबराता है, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी अगर शैम्पू आइज में चला जाता है ना तो देयर डेलिकेट आइज गेट वेरी इरिटेटेड। सो हेयर दिस प्रोडक्ट डज नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ टीयर्स, एनी काइंड ऑफ इरिटेशन इन द बेबीज आइज, तो दैट वेज इट इज रियली गुड। उसी के साथ साथ ये एक सेफ्टी टेस्टेड, एक पीडियाट्रिशियन टेस्टेड प्रोडक्ट है, एंड इट इज सो जेंटल कि आप इसको न्यूबॉर्न की स्किन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज टोटली सेफ फॉर अ न्यूबॉर्न स्किन। इट कंटेन्स अ वेरी सेफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, और इसके इंग्रेडिएंट्स इतने ज्यादा जेंटल हैं कि आप इसको ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले बेबीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, जिनकी स्किन हम एडल्ट्स के कंपैरिजन में 30% से भी ज़्यादा थिन होती है ना, उनकी डेलिकेट स्किन के लिए भी ना ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। उनकी स्किन को भी ये बहुत ही जेंटली, बहुत ही माइल्डली क्लीन करता है। उससे भी अच्छी बात पता है क्या है कि ये जो बेबी वॉश है ना, इट इज़ अ मॉइस्चर रिच बेबी वॉश। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप इससे बेबी को बाथ देते हैं ना, तो बेबी की स्किन और हेयर जो है वो क्लीन तो हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। रेदर इट हेल्प्स इन नरिशिंग द बेबी स्किन, इट हेल्प्स द बेबी स्किन टू रिटेन द मॉइस्चर दैट इट जनरली लूजेस ड्यूरिंग बाथ टाइम। एंड यू नो समायरा के केस में ना मैंने ऑब्जर्व किया है कि इट रियली हेल्प्स इन डी स्ट्रेसिंग हर, इट रियली हेल्प्स इन रिलैक्सिंग हर। सो जनरली सोने से पहले जब मैं उसको बाथ देती हूँ ना, तो आई मेक इट श्योर कि मैं ये बेबी डव के मॉइस्चर बेबी वॉश से ही दूं। उससे क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाती है और आराम से सो जाती है। और गाइस हमेशा इससे नहलाते टाइम ना मैं ऑब्जर्व करती हूं कि थोड़ी सी अमाउंट में ही ना ये जो बेबी वॉश है ना, इट फॉर्म्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ लेदर एंड अ लॉट ऑफ बबल्स। तो उससे क्या होता है, जो बेदिंग टाइम भी होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉयबल हो जाता है। एंड हमेशा नहलाने के बाद जो बेबी की स्किन होती है ना, वो क्लीन के साथ साथ बहुत ही अच्छी से स्मूथ और मॉइस्चराइज हुई हुई भी लगती है। इसकी भी पैकेजिंग मुझे काफ़ी पसंद है, ये ब्लू और वाइट कलर इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। उसी के साथ साथ ये जो बॉटल के ऊपर पंप दिया हुआ है ना, इससे आप डिजायर्ड क्वांटिटी में प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट का जो वेस्टेज है ना वो काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाता है। सो गाइस अगर आप भी एक माइल्ड प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिस प्रोडक्ट से आप बेबी के हेयर और बेबी की बॉडी दोनों वॉश कर सके, देन दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी ट्राइड इज बेबी डव मॉइस्चर रिच बेबी शैम्पू। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। आप लोग सोचेंगे कि अगर हेयर टू टो बेबी वॉश से ही आपका काम चल जाता है, तो अलग से शैम्पू खरीदने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बताती हूँ। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, या इफ द वेदर इज रियली वार्म एंड ह्यूमिड, तो क्या होता है कि बहुत ही जल्दी उनके जो हेयर है ना, एक तो वो गंदे हो जाते हैं, और कई बार उनमें धूल मिट्टी पसीना वगैरह भी भर जाता है। तो गाइस उस टाइम पे क्या होता है कि हमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन जरूरी होता है इन ऑर्डर टू क्लीन बेबीज हेयर। तो समारा के साथ मैं क्या करती हूँ ना कि मैं उसको मिडिल ऑफ द वीक में जब हेयर वॉश करना होता है ना, तो उस टाइम पर तो मैं हेयर टू टो बेबी वॉश से ही उसके बाल धो देती हूँ, क्योंकि जनरली बाल इतने गंदे नहीं होते। एंड वीकेंड्स पे जनरली हम बाहर जाते हैं या समारा स्विमिंग वगैरह के लिए जाती है, तो उसके बाद ना आई मेक इट श्योर टू क्लीन हर हेयर एंड हर स्कैल्प विद दिस बेबी डव मॉइस्चर रिच बेबी शैम्पू ओनली, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि शैम्पू की जो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज है ना, थोड़ी सी बॉडी वॉश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर बाल बहुत गंदे हैं ना, तो उनको अच्छे से क्लीन करने के लिए ना वंस इन अ वीक मैं ज़रूर इसका इस्तेमाल करती हूँ। एंड गाइस एक्चुअल में इसे वॉश करने के बाद ना, ना सिर्फ बेबी के हेयर बल्कि बेबी का जो स्कैल्प होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है। जितना भी डर्ट स्वेट वगैरह होता है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है, एंड उसके जो हेयर होते हैं ना वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते, क्योंकि ये मॉइस्चर रिच फॉर्मूला है ना। तो इसको यूज़ करने के बाद उसके बाल ना बहुत ही ज़्यादा क्लीन, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं। ये भी एक हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट है, यानी कि इससे भी बेबी की स्किन पर या बेबी के हेयर पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, और कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि पैराबेन सल्फेट्स और फैलेट्स वगैरह इसमें नहीं है। उसी के साथ साथ ये जो शैम्पू है, ये भी एक टीयर फ्री प्रोडक्ट है, यानी कि इससे बच्चे के बाल धोते टाइम अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बच्चे की आईज में चला भी जाएगा, तो बेबी की आंखें जलेंगी नहीं, उनके आंसू नहीं निकलेंगे, एंड दे विल स्टिल एंजॉय द हेयर वॉश।
एंड गाइस इस बेबी डव के बेबी शैम्पू की एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि ये बना है एक चौथाई मॉइस्चराइजिंग क्रीम से। उससे फ़ायदा ये होता है कि एवरी टाइम आई वॉश समायरास हेयर विद दिस शैम्पू ना, तो उसका जो स्कैल्प है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता, रेदर द मॉइस्चर ऑफ हर स्कैल्प बिकम्स रिप्लेनिश्ड एंड उसके जो हेयर एंड स्कैल्प होते हैं दे लुक विजिबली हेल्दी एंड मॉइस्चराइज। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो इतनी ज़्यादा माइल्ड है लेकिन इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि एवरी टाइम आई वॉश आर हेयर विद दिस ना, तो उसके जो बाल है ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगते हैं और उनकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। एंड गाइज जो आखिरी प्रोडक्ट हमने यूज़ किया फ्रॉम द हैम्पर इस बेबी डव मॉइस्चर रिच बेबी केयर वाइप। गाइज ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती हैं। गाइस इस पैकेट में आपको मिलेंगी 50 बेबी वाइप्स और इसकी कॉस्ट है ₹135, तो ये भी काफी पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। गाइस अब इन बेबी वाइप्स की बिना तीन चीजें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। पहली चीज ये है कि दीज वाइप्स आर एज जेंटल एज वाटर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि बेबी की स्किन को अगर हमें क्लीन करना है ना और अगर हमें रेगुलरली क्लीन करना है तो हम वाटर से क्लीन करें बिकॉज वाटर इज टोटली सेफ फॉर देयर स्किन, सो दैट वे दे आर वेरी नाइस बिकॉज दे आर एज जेंटल एज वाटर। दूसरी चीज मुझे इनकी ये अच्छी लगी कि ये जो वाइप्स है ना दे आर टोटली अल्कोहल फ्री। जी हाँ, शायद आप लोगों को पता हो या ना पता हो बट बहुत सारे लीडिंग ब्रांड्स की भी जो बेबी वाइप्स होती है ना उनमें थोड़े से अमाउंट में अल्कोहल प्रेजेंट होता है इन ऑर्डर टू डिसइंफेक्ट द बेबी स्किन, ताकि जब आप क्लीन करें तो बेबी की स्किन पर कोई जर्म्स हो ना वो खत्म हो जाए। एंड गाइस उस अल्कोहल की वजह से ना कई बार बेबी की स्किन पर ना रेडनेस, इचिंग और इरिटेशन भी हो जाता है। आप लोगों ने भी आई एम श्योर ऑब्जर्व किया होगा कि समटाइम्स उनको जलन भी हो सकती है, लेकिन इन बेबी वाइप्स में बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है, दे आर टोटली अल्कोहल फ्री, सो दे आर वेरी जेंटल ऑन योर बेबी स्किन। एंड एक और अच्छी बात यह है कि दीज वाइप्स आर ऑल्सो रिच इन मॉइस्चर, तो एवरी टाइम जब आप इन बेबी वाइप्स से बेबी की स्किन को पोंछेंगे ना, क्लीन करेंगे ना, तो बेबी की जो स्किन है ना वो मॉइस्चराइज भी हो जाएगी, तो जनरली क्लीनिंग की वजह से होने वाली जो ड्राइनेस और इरिटेशन है वो इन वाइप्स से बिल्कुल नहीं होती, रेदर द स्किन बिकम्स क्लीन एज वेल एज मॉइस्चराइज। ये वाइप्स हैं पेडियाट्रिशियन टेस्टेड टू बी टोटली सेफ टू बी यूज फॉर योर न्यू बॉर्न स्किन। एंड गाइज बेबी डव के बाकी सब प्रोडक्ट्स की तरह यू कैन टोटली यूज देम फॉर योर बेबी इफ योर बेबी इज हैविंग वेरी ड्राई एंड वेरी सेंसिटिव स्किन, क्योंकि ये बनी है 100% स्किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ये जो बेबी डव की बेबी वाइप्स है ना इनकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इनके पैकेट के ऊपर ना आपको ये इस तरह का स्टिकर मिलता है। इस स्टिकर को आप बहुत ही आसानी से हटाकर यू कैन पुल आउट एन इंडिविजुअल वाइप फॉर योर यूज, और वाइप को बाहर निकालने के बाद आप इस स्टिकर को वापस बंद कर सकते हैं, और इस स्टिकर को बंद जब आप कर देंगे तो जो बाकी वाइप्स अंदर रह गई हैं उनसे मॉइस्चर लॉस नहीं होगा एंड दे विल बी टोटली सेफ टू बी यूज फॉर नेक्स्ट टाइम। कि ये इतनी ज्यादा जेंटल, इतनी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग, इतनी ज्यादा सेफ और इतनी ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है ना, सो आई ऑलवेज कैरी देम इन माय बैग एंड ऑन द गो। कभी भी मुझे जब समायरा का फेस, हैंड्स या बॉटम क्लीन करना होता है आई ऑलवेज यूज दीज वाइप्स। गाइज इनके यूज के बाद ना हमेशा उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा क्लीन, मॉइस्चराइज्ड और फ्रेश लगती है। सो गाइज बेबी डव का ये प्रोडक्ट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड गाइज यही नहीं, बेबी डव के सभी प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, पेडियाट्रिशियन टेस्टेड है, हाइपोएलर्जेनिक है, उसी के साथ साथ हर प्रोडक्ट जो है ना इट हैज़ गॉट मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज, सो एवरी टाइम वी यूज देम ये बेबी की स्किन को ड्राई नहीं बनाएंगे, रेदर दे विल मॉइस्चराइज द बेबी स्किन एंड मेक इट लुक वेरी सॉफ्ट, स्मूथ एंड सपल। सो गाइज अगर आपको भी बेबी डव के प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों, उनके फीचर्स एंड क्वालिटीज पसंद आई हो, देन यू मस्ट गिव देम अ ट्राई। बेबी डव का ये जो हैम्पर है इसे मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगी। उसी के साथ साथ बेबी डव के जो प्रोडक्ट्स है ना वो आपके घर के आस पास के लीडिंग स्टोर्स पे भी जरूर मिल जाएंगे। फिर भी कुछ और ऑनलाइन परचेज लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर भी इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी अगर बेबी डव के प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव लगे, अगर वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं विच आर सेफ फॉर न्यूबॉर्न्स, विच आर सेफ फॉर बेबीज हैविंग ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन, तो उनको ये प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मैं जल्दी दोबारा आपसे मिलूंगी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।